तो इस अग्निकांड के बाद अब परिवारों के सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हैं। कुछ अपनों को ढूंढ रहे हैं तो कुछ के अपने अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। मौके से हमारी संवाददाता रूफी जैदी की एक रिपोर्ट देखी। पहले फिल्मिस्तान अनाज मंडी में हुए अग्निकांड के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा घायलों को इसी अस्पताल में लाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और 43 में से 28 शवों की पहचान अभी तक हो सकी है। बाकी जो शव हैं उनकी पहचान आज की जाएगी। जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाया गया है, उनसे पुलिस ने संपर्क किया है और आज बाकी जो शव हैं उनकी पहचान की जाएगी। जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं वो धुएं में दम घुटने की वजह से हुई हैं, जबकि कुछ जो शव हैं वो 80% तक जल चुके हैं। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो शव 80% तक जल चुके हैं उनकी पहचान करना मुश्किल होगा। तो अब ये फैसला लेना होगा डॉक्टर्स को कि उनकी फॉरेंसिक जांच होगी और अगर फॉरेंसिक जांच में भी पता नहीं चल पाता है तो हो सकता है कि उन शवों की डीएनए जांच भी करनी पड़े। रूफी जैदी, CBTR, दिल्ली। रूफी जैदी की रिपोर्ट। अब सीधा रूफी जैदी हमारे साथ जुड़ भी गई है, LNGP हॉस्पिटल के बाहर वो लगातार बनी हुई है। रूफी, अब कैसा मंजर अब वहां है? कल भाग दौड़ और परिजन परेशान थे, हताश थे, अपनों को ढूंढ रहे थे, आज किस तरह की और वहां से आप अपडेट हमें पहुंचाएंगे? और साथ ही ये भी बताइएगा कि अभी कितने और लोग वहां पर इस तरीके से मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? शिरीन, इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं ये वो जगह है जहां पर रिश्तेदारों की तमाम उम्मीदें जो हैं वो आकर टूट गई थी। यहां पर कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं जो आज शवों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने अपना भतीजा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है। पुलिस ने आज इन लोगों को बुलाया। कल जिन शवों की शिनाख्त हो गई थी उनके परिजन को आज बुलाया गया है और उनको ये कहा गया था कि आज जो शव हैं वो उनको सौंप दिए जाएंगे। तो आज परिजन मॉर्चरी के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि उनको शव मिले, जिसके बाद जो अंतिम संस्कार हैं, जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो किए जा सके। और यहाँ पर वो जो परिवार हैं उनके रिश्तेदारों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल की जो सुबह थी सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ऐसी सुबह कभी किसी की ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि किसी का जो भतीजा था वो 18 साल का था, किसी का रिश्तेदार 22 साल का था, कोई 3 महीने पहले आया था, कोई 6 महीने पहले आया था, और वो लोग सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि वो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले के उस वाकये को बदल पाए और अपने उस रिश्तेदार को ये कह पाते कि तुम मत जाओ वहां पर, और अगर शायद ऐसा हुआ होता तो आज उनके वो रिश्तेदार जिंदा होते। लेकिन आज वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें शव मिलेगा, जिसके बाद वो आखिरी सफर के लिए रवाना हो पाएंगे। और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर और डॉक्टर्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ट्रीटमेंट है उन्हें वो सबसे बेहतर दिया जा सके। लेकिन फिलहाल मैं मॉर्चरी के बाहर हूँ और यहाँ पर रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं शवों का, क्योंकि पुलिस ने आज सुबह 7 बजे उन्हें बुलाया था। इसी तरीके से परेशान करेगा।